ये क्या हुआ, कैसे हुआ? हाँ जी, की हाल चाल है? बॉलीवुड दादा हाजरा लैके बॉलीवुड फिल्मी गप शप। और जो मैं तुहानू अज दसना है वह सुन के तुसीं इहो ही कहोगे आ की हो गया। दरअसल बड़ी शोकिंग खबर हैगी है, बहुत शॉकिंग न्यूज ये है लेटेस्ट वाली, कि कपिल शर्मा ने हसाना छड़ के रोना शुरू कर दिता। नहीं, रोना नहीं, हसाना छड़ के उन्होंने खोना शुरू कर दिता। ना 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 ना, ना। कोई हलवाई वाला बिजनेस नहीं शुरू किया, हलवाई नहीं बने, और ना ही फूड ब्लॉगर के वांग तरी वाली भिंडियां बना बना के तुहाडे मूँह दे विच पानी लियाण दी कोशिश करनगे। इदां दा कोई काम नहीं शुरू किया उन्होंने। उन्होंने शुरू किया डिलीवरी बॉय का काम। आए देखी देखी हूँ कई चेहर से कि मुस्कुराहट आ गई है, खिल खिला के हसन डे ने। है भुल गए बाबा मान साहब ने की कहा, कम छोटा वड्डा नहीं, कम छोटा वड्डा नहीं, बंदे दी सोच है वड्डी छोटी, बाहरों की खटणगे अंदरों नीत जिन्ना दी खोटी। इसलिए भाई कम कोई छोटा वड्डा नहीं हुंदा, जिहड़ा कम मर्जी उन्होंने शुरू किया कम कम हुंदा, कम ते कमेंट नहीं करना। और खिल खिला के जिहड़े मजाक करन दे ना कपिल शर्मा नूं, मुड़ मैं कहने तुहानूं जिहड़े ट्रोलिंग करन दे उहनां नूं ट्विटर दे उत्ते। खैर सवाल यह पैदा होता कि उन्होंने ये वाला काम करना शुरू क्यों किया, क्यों डिलीवरी बॉय बने आखिर कपिल शर्मा? सब तो वड्डी खबर तो यह है, और सब तो वड्डी सोचने वाली गल तो यह है, रीजन की है? मैं लगन दिया उन्होंने शो की जी टी आर पी थले थले डाउन 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 आन रही है ना, वो करके कितने शो आने वाले टाइम के बंद ना हो जाए, इसलिए पहला ही उन्होंने अपना बिजनेस चेंज कर लिया। माइंड सैटअप बिजनेस माइंडेड बहुत तेज हो रहा है। तुहाडे दिमाग च की आउंदा? खैर छड्डो यार, अपने दिमाग से ज़्यादा जोर ना दियो, मैं तुहानू दस ही दिना। दरअसल ये बिजनेस उन्होंने इसलिए शुरू किया क्योंकि वो एक फिल्म करन दे ने, नंदिता दास की फिल्म दे विच डिलीवरी बॉय बन के डिलीवरी बॉय दे बाइक ते बह के भुवनेश्वर दियां सड़कां दे उत्ते सब नू फूड की डिलीवरी देंदे हुए नज़र आउंदे ने, और इस रोल दे विच जचन भी काफ़ी डे ने। वैसे जेकर रोल की गल मैं की है तो अपन फिल्मों के उन्होंने अपने आप नू बड़ा रोल लिया, इत्थे भी कितने रोले ही ना जान, पर रोल मिले उन्होंने। उम्मीद के उत्ते दुनिया कायम है, हो सकता कि ये उन्होंने एक्टिंग ऑस्कर मिल ही जाए। खैर उम्मीद की गल तुरी है तो एक फिल्म रिलीज़ हुई है उम्मीद के सिर पर, तीजी बार उस फिल्म का रीमेक बनया है हिंदी यानी बॉलीवुड के विच। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। दो बार पहलों फिल्म बनी हुई है, एक बार विदेशी लैंग्वेज बनी है 2014 के तमिल के बनी सी, तो हूँ 2022 तीजी बार बनी है बच्चन पांडे, मतलब तीजी बार फिर ओदी कॉपी हो रही है। फिल्म बेचारी तंग आ गई होनी है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं हुण तां मेरा खेड़ा छड़ दिओ, हुण तां मेरे चो रस भी निकलना बंद हो गया। बिल्कुल यही सानू नजर आउण डिया बच्चन पांडे फिल्म दे विचों। ओदे विच रस वाली कोई गलबात नहीं हैगी, नी रस फिल्म लगती है तुसीं थिएटर दे विच उहनूं जा के वेखोगे। खैर मेरी गल सुन लो, उस तो बाद इहदियां टिकटां बुक करायो, तुसीं करवाउणियां ने या नहीं करवाउणियां, फिल्म वेखण जाणा है या नहीं जाणा। कल बनाए रखे के लिए भाई बनाए के रखना बहुत जरूरी है। बच्चन पांडे दा जिहड़ा किरदार निभाउंदे ने अक्षय कुमार, कमाल दी लुक है उन्हां दी, पर लुक ही लुक है सारी। गाने दे विच उन्हां दे करैक्टर नूं एस्टैबलिश कर दिता जांदा कि बच्चन पांडे दा किरदार आखिर है कि बड़े खूंखार गैंगस्टर दा रोल करन दे ने। फिल्म दे विच इह वी दस्या गया कि अजकल गैंगस्टर दियां फिल्मां ज़्यादा चलदियां, संजीदा कहानियां दे उत्ते फिल्मां लोकी घट वेखदे ने, कुछ इदां दी स्टोरी है। और फिल्म दे विच कृति सनिन ते नाल अर्शद वारसी दोवें मिल के फिल्म बणाउंदे ने, और फिल्म दे लई ओह इक इदां दा किरदार लभदे ने जिहड़ा गैंगस्टर, और बच्चन पांडे दे उत्ते ओह फिल्म बणाउणा चाहुंदे ने। इहदे इर्द गिर्द कहानी शुरू हुंदी है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। पर बच्चन पांडे उन्होंने किद्दां किद्दां केड़ियां केड़ियां मुश्किलां सहन तो बाद मिलदा, इहदे उत्ते फिल्म जिहड़ी है 2.5 घंटे की बनती है। और फिल्म दे विच कृति सनन दा रोल बिल्कुल स्ट्रेट सड़क की तरह, ना इधर ना इधर, ना झोल ना झाल, कोई वेरिएशन नहीं। जो करती है उही उन्हें किया। अर्शद वारसी जो बहुत कुछ कर सकते थे उन्होंने बड़ा लिमिटेड जिहा पेश किया। अरे कहना क्या चाहते हो? और सब तो वड्डी गल त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी जी, आ हा हा वाह कमाल अदाकार, उन्होंने भी यूज नहीं किया गया, मिसयूज ही किया गया। अगे गल करिए संजय मिश्रा की, मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, उन्हों का भी मिसयूज होया। और अक्षय कुमार तो मैं कहना फिर अक्षय कुमार ने वह तो अश अश के कुटते मारते फिल्म के नज़र आते हैं। बढ़िया था।
पर जो होगा फिल्म का क्रिएट किया गया सी जिस हिसाब की लुक सी अक्षय कुमार की उस हिसाब की गलबात फिल्म की पेश नहीं हो रही। पेशकारी दे विच उन्ना दम नज़र नहीं आ रहा। हालांकि फिल्म का म्यूजिक फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और स्क्रीन प्ले भी किसी हद तक ठीक है पर फस्ट हाफ तो बाद जिहड़ा सैकेंड हाफ है वह पूरी तरह फिल्म नूं उपर ले जाण दी बजाए थले लैके आउंदा है। इसलिए हुण ये फिल्म नूं तुसीं वेखना है या नहीं वेखना ये तुहाडे ते गल निर्भर करदी है। हाँ जेकर तुहानूं अक्षय कुमार की लुक वधिया लगती है तो तुसीं लुक वेखण दे लई थिएटर दे विच जा सकते हो। खैर जेकर तुसीं लुक ही वेखनी है तो इस वीडियो दे विच तुहानूं उहदी लुक नज़र आ ही रही होएगी। फिल्म वेख के तुसीं की करना है। खैर जेकर तुहानूं मेरियां गल्लां चंगियां लगियां ने या नहीं भी लगियां तां तुसीं कमेंटां दे विच मैनूं लिख के दस सकते हो। साडा शो किहो जिहा लग रिहा कोई सजेशन देनी चाहुंदे हो तां कमेंटां दे विच झड़ी ला के दस सकते हो। इसे तरह बॉलीवुड दा तुहानूं अपना प्यार दिंदे रहो ते वेखदे रहो बॉलीवुड फिल्मी गपशप। कल फिर हाजिर होवांगा नवीं गल्लां बता लैके। टेक केयर।